मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत सोया दूध एवं ब्रेकफास्ट योजना का रायगढ़ में खड़गवा के पोरीडीह आवासीय विद्यालय में मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सरगुजा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष गुलाब कमरो, विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, महापौर के डोमरू रेड्डी, कलेक्टर डोमन सिंह, SP विवेक शुक्ला समेत जिले भर के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। योजना की शुरुआत में मंत्री ने ब्रेकफास्ट किट का फीता काटकर योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को सोया दूध पिलाकर अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में कुपोषण हटाने के लिए पहल की है। प्रदेश में स्कूलों की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां बच्चों को संस्कारित करने की जिम्मेदारी वहां के शिक्षकों की है। उन्होंने कहा कि जिले में एकलव्य जैसे विद्यालय और खोले जाएंगे, इससे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का और विकास हो सके। इस मौके पर उन्होंने एकलव्य विद्यालय पोड़ी डीह के विकास के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। मंत्री प्रेम साय सिंह ने खड़गवा में ब्रेकफास्ट योजना का शुभारंभ करते हुए पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चोरी करवाने का आरोप लगा डाला। टेकाम ने कहा कि केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री रेलवे में चोरी करवा रहे हैं। हमारे छोटा भाई है, बहुत प्यार करता है हमसे। आप भी करते हैं हमसे प्यार? मैं भी करता हूँ। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? मोदी सरकार से बिल्कुल कुछ दिख रहा है, बेरोजगारी कोई आपका हल है? बेरोजगारी में कोई बात करते हैं, खाली मन की बात करते हैं। जो लोगों जो कहना चाहते हैं सुनते नहीं। आज नगर आपका महंगाई बढ़ रही है, आज आरक्षित होने का दिन है और नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में किस किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा, किन के लिए आरक्षित होगा, फिर बाद में अपन तय करेंगे। अब एक चोरी चमारी करना है आपके जो रेलवे भारत रेलवे है, तो मोदी जी रेलवे में चोरी करवा रहे हैं, मंत्रियों को बैंक चोरी करवा रहे हैं।